समाजवादी पार्टी में अभी जिस बाहरी को लेकर लड़ाई चल रही थी, आज उसी बाहरी पर पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने बड़ा फैसला लिया है। मुलायम ने अमर सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है। इससे पहले रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव थे। अभी हाल ही में सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह ने कहा था कि आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर फैसला वो खुद करेंगे, ना तो शिवपाल सिंह और ना ही अखिलेश यादव इसका फैसला लेंगे। उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश और शिवपाल का कोई सुझाव या राय होगी तो उसे शामिल किया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले दिनों अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच महासंग्राम देखने को मिला था और इस दौरान अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव ने बाहरी शख्स का जिक्र किया था और बाहरी को ही पूरे झगड़े की वजह बताया था। यहां कहीं ना कहीं निशाना अमर सिंह थे। ऐसे में माना जा रहा था कि पार्टी अमर सिंह पर कार्रवाई कर सकती है, लेकिन आज जो खबर यूपी से सामने आई है वो चौंकाने वाली है। वाकई राजनीति में कब क्या हो जाए पता नहीं चलता। अभी तक यहां बाहरी को झगड़े की वजह बताया जा रहा था, अब उसी बाहरी को पार्टी ने घर में बिठा दिया है। यहां तो एक बाहरी सपाइयों पर भारी पड़ता दिख रहा है। देखते रहिए डीबी लाइव।